हेलो बच्चों, चलिए पिछला चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीरो। ठीक है, अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडिशन। एडिशन करने का मतलब क्या हुआ? जो सबको मिला के लिख देना। ठीक है, सबको ऐड कर देना, इसका मतलब प्लस कर देना। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे हमारा क्या है, काउंट द ऑब्जेक्ट, ऐड एंड ड्रॉ द टोटल ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये वन बॉय है और ये वन गर्ल है। ये दोनों मिला करके कितने हो गए? ये वन बॉय और ये वन गर्ल दोनों मिला के कितने हो गए? टू। वन और वन कितना हो गया हमारा? टू। उसी तरह से हमको क्या करना है इसमें, सो देख लेना है और दोनों को मिला के लिखना है। जैसे ये कितने फ्लावर्स हैं? टू। ठीक है, कितने फ्लावर्स हैं? ये टू। और इसमें कितने फ्लावर हैं? थ्री। तो अब क्या करना है, इन दो फ्लावर को और ये तीन फ्लावर को, इस तीनों को मिला के यहाँ पे बना देना है। ठीक है, यहाँ पे सारा फ्लावर जो है हम लोगों को सो बना देना है, टोटल जितने फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये टोटल हमारे कितने फ्लावर्स हो गए, इसको ऐसे वन टू थ्री फोर और फाइव। ठीक है, और वहाँ पे बनाने के बाद में हमको इस टोटल फ्लावर्स को बना देना है केवल। ठीक है, उसके बाद काउंट कर लेना है जो कितने हैं। अब देखिए, ये वाला शेप है कितना है, वन टू थ्री फोर, और ये वाला शेप कितना है, वन टू। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स जो है ये वाला शेप को हमको बना देना है। ओके, समझ में आया? और इस दोनों को मिला के जितना शेप हम यहाँ पे बनाए उसी को बोलते हैं एडिशन या प्लस करना। क्या बोलते हैं? एडिशन या प्लस करना। ओके, चलिए इसी तरह से फिर ये वाला थ्री और ये वाला थ्री टोटल यहाँ पे हम बना देंगे। ओके, चलिए फिर इसी तरह से आपको ये वाला भी करना है, देख लीजिए और कॉपी में बनाइएगा। और इसी तरह से फिर ये वाला भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री, तो ये सिक्स और ये थ्री, यहाँ पे नाइन, इस तरह का शेप बनाना है। ओके, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद बनाने के बाद में क्या करना है, उसको काउंट कर लेना है। ओके, चलिए उसके बाद उससे भी अच्छा हमारा क्या है, देखिए अभी, अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार। क्या बोलते हैं? स्टार, एस टी ए आर, स्टार। आप लोग तो बहुत पढ़ते हैं स्टार के बारे में, सुनते भी हैं। ठीक है, और मम्मी लोग अच्छा अच्छा कहानी भी बताती हैं स्टार के बारे में, सन और स्टार के बारे में। चलिए, ये थ्री स्टार है और ये वन स्टार है, तो टोटल कितना स्टार हो गया, वन टू थ्री एंड फोर, कितना स्टार हो गया, फोर। तो इसी तरह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है थ्री और वन, तो वन टू थ्री और वन कितना हो गया, टोटल फोर। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से देखिए, अरे वाह, ये तो टेस्टी टेस्टी फ्रूट भी है यहाँ पे। चलिए अब इसमें आप लोग काउंट कीजिए, ये क्या है, सबसे पहले मैंगो। चलिए मैंगो का स्पेलिंग बताइए, तो एम ए एन जी ओ, मैंगो। ओके, अब बताइए जो इसमें कितने मैंगो हैं, हाउ मेनी मैंगोज, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, फाइव। एंड यहाँ पे कितना है, वन टू थ्री फोर, टोटल कितना हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, हाउ मेनी मैंगोज। ओके, ठीक है, अब देखिए, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा बटरफ्लाई है। ठीक है, इस बटरफ्लाई को काउंट करके और ये आप लोग लिखिएगा, ये क्या है, ये तो बहुत अच्छा अच्छा फ्रूट है, इसका नाम क्या है, चेरी। इसको भी इसी तरह से आप लोग काउंट कीजिएगा और लिखिएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, टोटल कितना हो गया, सिक्स। काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिक्स। अरे वाह, एप्पल भी है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे लिखेंगे सिक्स, यहाँ पे कितना लिखेंगे, टू। तो कितना हो गया, सिक्स और टू, काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों को इसको लिखना है। ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।